दोस्तों, आज हम बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतें और घटते हुए रुपए की कीमत के बारे में बात करेंगे। आपको याद होगा, जब मोदी जी 2014 के चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे थे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाकर कह रहे थे कि पेट्रोल का दाम भारत में बहुत ज़्यादा है, बहुत हुआ पेट्रोल का दाम, बहुत हुई महंगाई की वार, अब की बार उनकी सरकार आना चाहिए। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। ऐसे ही उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत इतनी कम क्यों है। अब पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, लगातार रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में गिरती जा रही है और पहली बार अब डॉलर 72 रुपए के करीब पहुंच गया है। ये बहुत चिंता का विषय है। इसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत खराब है। दूसरी बात, उसी सरी से हम देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल जो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत गहरा आधार है, उनकी कीमतें लगातार पिछले 4 सालों से बढ़ रही है। ये बात उस समय हो रही है जब दुनिया में क्रूड ऑयल, जो बैरल के हिसाब से बेचा जाता है, उसकी कीमतें लगातार कम हुई हैं, पहले से गिरी हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचने की बात है कि इस सरकार में जिस प्रकार के दावे किए, जिस प्रकार का प्रोजेक्शन दिखाया और जिस प्रकार से ये दोनों चीज़ें हमारी महंगाई पर एक बहुत बड़ा वार कर रही हैं, ये एक चिंता का विषय है। और उसके बारे में सरकार का कोई बयान नहीं है। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और उसी आधार पे वो इस अर्थव्यवस्था को नीचे की तरफ लगातार ढकेलते जा रहे हैं। इसके बारे में सोचना ज़रूरी है कि हमारी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कैसे कंट्रोल किया जाए और साथ ही साथ गिरते हुए रुपए की साख और कीमत को कैसे बचाया जाए। बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतें और घटते हुए रुपए के दाम के विरोध में आज 10 सितंबर को पूरे भारत में विपक्षी पार्टियों में एक भारत बंद का ऐलान किया। इसका कॉल देने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे आगे रही और उसके नेता राहुल गांधी ने राजघाट से यात्रा निकालकर, मार्च निकालकर इस बंद के समर्थन में पूरे देश में एक अपील की। साथ ही साथ देश की जनता जो बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से और घटते हुए रुपए के दाम से बहुत त्रस्त हैं, उनमें इसका एक प्रकार से उत्साह दिख रहा है कि बहुत दिनों बाद एक इस प्रकार का आंदोलन, इस प्रकार का बंद भारत में आयोजित किया जा रहा है और उम्मीद है कि इस आंदोलन का प्रभाव हमारे शासकों पर पड़ेगा और पेट्रोल की कीमतों पर लगाम लाने के लिए एक कोशिश की जाएगी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जैसा हमने कहा, दुनिया में क्रूड पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं और भारत में इसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इसका प्रभाव समाज के प्रायः प्रायः सभी तबकों पर बहुत खराब रूप से देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है इस भारत बंद के कारण सरकार जागेगी और इन कीमतों को कम करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेगी ताकि त्रस्त जनता को एक प्रकार की राहत मिली। धन्यवाद।